أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم شعیب ڈیری فارمنگ اینڈ ویلاگ وچ تساں ساریاں کی خوش آمدید پلیز میرے اس چینل کی تسی سبسکرائب کرنو ویڈیو پسند آوے تے لازمی شیئر کریں اج دے ویلاگ وچ میں تساں نال ایک خاص گل ایک تساں کی خوشخبری دین لیا ये खुशखबरी तुसा की पांच महीने पहले मैं एक दफ़ा दी सी लेकिन हूँ मैं तुसा की दोबारा ये वीडियो बिच तुसा की खुशखबरी दे रहा कि माशाल्लाह से रोड का काम शुरू हो गया है। रोड की सफाइया रोड के अंदर मटीरियल का काम पांच महीने के अंदर मुकम्मल हो चुका है। जैसा कि तुसी देख रहे हो वीडियो बिच पानी लगाया जा रहा है, मशीनरी सारी वापस इतने पहुँच चुकी है और इस दे नाल नाल इतने सारा लेबर वर्क मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन एक ती दो दिन का टाइम लगेगा, इंशाल्लाह क्रॉपर्ट रोड का काम प्रॉपर स्टार्ट हो जाए। मशीनरी अपना काम स्टार्ट कर दे सी। तकरीबन ये जड़ा इन्हों का बनाने का अंदाज है, उसकी लोकेशन उसका तरीकाकार मैं तुसें की थोड़ा जा इस तरह समझाना। बेसिकली ये रोड जी बनाई जा रही है ये चक नसीरुद्दीन की स्टार्ट हो रही है, मेरा मदनी हस्पताल तक ये रोड बन सी। इस रोड की चौड़ाई के मुतलक अगर गल करिए असी 24 फुट इसकी चौड़ाई उसी जिस विच फुट कारपेट रोड उसी और 6 फुट साइड कॉलर और 6 फुट सेकंड साइड कॉलर बढ़ सी। जेडे इस दे कॉलर न ये कच्चे हो सन, अगर पथरीली मिट्टी मिल गई तो वह पथरीली बन जैसी या सिंपल बन जैसी, सिंपल सादा मिट्टी डाली जैसी। आबादी के एरिए कंक्रीट हो सी, बाकी जी नॉर्मल जरी जमीन उत्थे नॉर्मल रोड बन सी। एक गल मुकम्मल होगी। दूसरा इस दे मुतलक जी आगाही तुसें की दसा, जिहड़ा इन्हों का पहला स्टैप है वो इस तरह इन्होंने रोड बन सी, चकोड़ा ती इन्हों रोड का मटीरियल डालना शुरू करना है और मुकम्मल करना है फेज़ वन विच चक नसीरुद्दीन तक। पहला स्टैप इसका रोड का ए हो सी। उस दी बाद दूसरा स्टैप चकोड़ा ती लैके मैरा नी हदूद विच दाखिल होने तक दूसरा स्टैप हो सी। दो के स्टेप तीसरा इन्ना जड़ा स्टेप बनाना है वह मोहल्ला सैफ पूरा इस जगह ती स्टार्ट करके वापस इन्ना मैरा दी हदूद विच दाखिल होने वाली जगह ते इन्ना मुकम्मल जोड़ लगा देना है। तीन स्टेप मुकम्मल हो जाए। चौथा स्टेप जड़ा इन्ना बनाना है वह हो सी जनाजा गा मैरा ती अगे जाके मेन कब्रिस्तान मैरा उत्थों ना स्टार्ट करनी है मदनी हस्पताल तक लैके आ सुन, क्योंकि इन्हों के प्रॉपर रूट बने इन्हें उस मुताबक इन्हें अपना काम मुकम्मल करना है। बहुत स्पीड विच काम जारी है तो बहुत मजबूत ये रोड बन सी। इस दे नाल नाल अगर एक और तुहाडे नाल इनफॉर्मेशन शेयर करिए है कि ये रोड देखा जाए तो काफ़ी ऊंचाई विच बनी है। इसका बहुत फायदा यह होया जितना इसकी टाइम मिले इसकी मजबूती उतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तुसा कि ये रोड का बहुत फायदा उसी, ज़्यादा फायदा इस रोड का उन्हें लोगों की उसी जेडे लोग मुलाजमीन ज़्यादातर लोग डिपू दे और टीचर्स और डिफरेंट कैटागरी हर किस्म के गौरमेंट के मुलाजमीन की इस रोड का फायदा हो सी, लेकिन इस दे नाल नाल आम अवामो नास की भी फायदा हो सी। ये गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान की बहुत वड्डी मेहरबानी है इन्हां इलाके वाले लोग मकीन ते कि बहुत अच्छा फैसला होया है, बहुत ही अच्छा फैसला होया। इस रोड दी सारे लोगों की बहुत ज़्यादा जरूरत सी, लोगों का काफ़ी सारा बेहतर आसानी हो गई है। हुण इस रोड के मुकम्मल होने के बाद इतना लोगों का भी काम बनना है कि इसकी मुकम्मल तौर पर सेफ रखा जाए, इसका मुकम्मल सही तरीके इस्तेमाल किया जाए। रोड बहुत अच्छी बन रही है,
अज का ब्लॉग तुम्हारे जो मैं शेयर कर रहा सा अपनी एक खास अंदाज की मैं सारी गल दसी है। प्लीज़ तुसी मेरी इस कावश की कबूल करो, मेरी इस कावश की तुसी पसंद करो, तो हो सके मेरे चैनल की सब्सक्राइब करो। इस अलावा एक मैं तुसें की और सिंपल गल दसा, इस वीडियो दे पहला भी मैं तुसें की व्लॉग शेयर कर चुका, इस दे नाल नाल प्लीज़ तुसी मेरे चैनल की सब्सक्राइब करो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।